हेलो, इस वीडियो में हम लोग ममा विद्यालय चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सभी का आंसर संस्कृत में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तव विद्यालयस्य नाम किम अस्ति। यहाँ पे चैप्टर का सबसे फर्स्ट लाइन ले लोगे, यहाँ फर्स्ट का आंसर है मम विद्यालयस्य नाम आदर्श विद्या मंदिर अस्ति। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड में आएंगे हम लोग, अत्र कति शिक्षक शिक्षकाः च पाठयन्ति। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर, अत्र सप्तति शिक्षक शिक्षिका च पाठयन्ति। थर्ड वाला आएंगे हम लोग, विद्यालये प्रति सप्ताहे का आयोज्यते। थर्ड का आंसर तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, विद्यालये प्रति सप्ताहे बाल सभा आयोज्यते। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, अत्र कति छात्रा पठन्ति। अत्र सहस्रद्वयं छात्रा पठन्ति। फिफ्थ में, विद्यालयः नगरस्य कस्मिन् स्थले स्थितम् अस्ति। विद्यालयः नगरस्य एकस्मिन् सुरम्ये स्थले स्थितम् अस्ति। तो ये हमारा फर्स्ट पांचों क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका आंसर हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को, यानी फर्स्ट क्वेश्चन को, जब पूरा चैप्टर का अनुवाद कार्य कॉपी में जब कर लोगे, उसके बाद तुम लोग इसको क्वेश्चन आंसर्स को कर लोगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को केवल कॉपी में कर लोगे, बाकी यहाँ बुक में ही रहने देना। तो अब हम लोग बुक में देख लेंगे कैसे करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, अत्र सप्तति शिक्षका शिक्षकः च पाठयन्ति, अत्र सहस्रद्वयं छात्राः पठन्ति, विद्यालये एकं सुन्दरं उद्यानम् अस्ति, यत्र मनोहराणि पुष्पाणि विकसन्ति, अत्र पठनाय दूरतः अपि छात्रा आगच्छन्ति। क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनके सामने तुम्हारा कॉलम दो दिया हुआ है, विभक्ति और वचन बताना है। तो सबसे फर्स्ट वर्ड है विद्यालयस्य, कौन सा विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति, एक वचन, वचन में लिखोगे। उसके बाद पुष्पाणि प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शिक्षिकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शिक्षाया पंचमी या षष्ठी एक वचन, क्षेत्रे सप्तमी एक वचन, छात्रा प्रथमा बहुवचन, स्थले सप्तमी एक वचन। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब ऑब्जेक्टिव वाला में आ जाओगे, या कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं तुम्हें, जिसको जिसमें से सही वर्ड चुन के तुमको फिल करना है। तो अत्र सहस्रद्वयं छात्रा पठन्ति, मम विद्यालये सुंदरम डैश अस्ति, तो उद्यानम अस्ति, विद्यालये प्रति वर्षे डैश भवति, तो विद्यालये प्रति वर्षे वार्षिकोत्सव भवति, मम विद्यालय संपूर्ण देशे डैश अस्ति, तो मम विद्यालयः संपूर्ण देशे प्रसिद्धः अस्ति।
एतादृशा विद्यालयः देशस्य डैश भवन्ति। एतादृशा विद्यालयः देशस्य गौरवः भवन्ति। तो यहाँ सही ऑप्शन सब देख करके अपनी कॉपी में, अपने बुक में लिख लेना सही तरीके से। कॉपी में तुम लोगों का पूरा चैप्टर का ट्रांसलेशन संस्कृत और हिंदी, संस्कृत के साथ करोगे या फिर संस्कृत रहने देना, सिर्फ हिंदी वाला जो भी ट्रांसलेशन तुम्हें बोला जा रहा है उसको अच्छे से कर लोगे। और क्वेश्चन आंसर्स में तुम्हारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर्स जो 5 क्वेश्चन दिए हैं, उस जिसका आंसर मैंने तुम लोगों को यहाँ अभी बताया, उसको कर लोगे। बाय।